Friends, how are you feel? I hope you feel good. As you know, we are discussing nowadays domain, range and graph of function. Now we want to discuss another topic, graph of function. Some question of graph of function. वेलकम अगेन टू AVM ऑनलाइन क्लासेस. आज हम ग्राफ सीखेंगे बेटा, फंक्शन का. ये हमने सीख रखा है 10th क्लास के अंदर, तो वो इसलिए आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं. तो मैं एक ये सम ले लेता हूँ, जैसे fx ले रखा है 1 - x, इफ x लेस देन 0 इक्वल टू 0 तो 1 और ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1. तो इसका ग्राफ बनाइए भाई. तो ग्राफ बनाते हैं अपन. अपन 10th में भी करते थे, कम से कम 5 लेते थे, तो यहाँ पर भी हम 4-5 ले लेते हैं ताकि ग्राफ क्लियर हो जाए. तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, y किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा भाई. अब जानबूझकर हम 0 से लेस, तो एक तो 0 लेते हैं अपन, 0 से लेस -1 -2, 0 से ग्रेटर 1 और 2. अब देखो बेटा, 0 से लेस के लिए हमने ये लेना है फंक्शन, तो आप इसमें रखोगे -1 रखोगे तो -(-+)1 2 हो गया, -2 रखो तो -(-+)3 हो गया, 0 रखोगे तो 0 पे क्या आ गया 1 रखोगे तो 2 और 2 रखोगे तो 3, ये आ गया हमारे पास. फिर एज यू नो आप ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये क्या होता है एक्सिस और ये क्या होता है y एक्सिस, ये हमने 10th में पढ़ रखा बेटा. अब यहाँ पर देखो x के कितने हैं, पॉजिटिव है 0, 1, 2 और इस तरफ क्या है नेगेटिव, तो ये 1, 2 क्या गया, ये -1 और -2. आप सिंपल कॉपी में ग्राफ बना सकते हैं. और यहाँ पर y की जगह कितने हैं 3 है, तो 1, 2, 3 ये ध्यान रखना भाई, आपका ये पोर्शन इक्वल होना चाहिए. यदि ये पोर्शन इक्वल नहीं है तो आपका ग्राफ करने का ही मिस्टेक हो चुका होगा. आप देखो बेटा 0 पे 1 ये आ गया, फिर -1 पे 2 -2 पे 3 1 पे 2 2 पे 3 2 ये रहा x का और y का 3 ये रहा. अब इसको ज्वाइन कर दीजिए आप, तो ज्वाइन करोगे कैसे, यहां पर आएगा ये रहा. तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास, इसे से आपको बनाना है. हमने ये सब कर चुके थे, आपको 15th तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ट्राई कर लीजिए इनको. नाउ लेट वी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, फंक्शन ऑफ एक्स इसके इक्वल है बेटा, फाइंड फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स निकालिए. यदि हमारे पास होता बेटा फंक्शन ऑफ 2 निकालना, तो जहां पर भी एक्स होता वहां 2 लिखेंगे हम. अब यहाँ पर निकालना है फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स, इसको तो आप फाइंड निकाल नहीं सकते, हम ऐसे ही रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स निकालना है, ब्रैकेट को हम ऑफ बोलते हैं, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स निकालना है. तो यहाँ पर देखो बच्चे, फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन ऑफ एक्स किसकी कुल है, एक्स स्क्वेयर -3x + 2 ये बेटा. अब जहाँ पर भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो वहाँ पर हमने ये हो गया हमारे पास. अब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे. जैसे बेटा यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 होता, तो ध्यान कीजिए, हम यदि फंक्शन ऑफ 2 होता तो x से 2 रखते हम, 2 का स्क्वेयर -3 × 2 + 2 तो ऐसे रखते हैं अपन. अब जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर ये लिखेंगे हम, तो यहाँ पर x है तो इसको ये रखेंगे x का है, -3x + 2 का होल स्क्वायर -3
इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस टू। बेटा जहाँ पर भी x है होगा, देखो यहाँ पर x था, x की जगह हमने ये रखा तो इसका इसकी पावर टू तो टू हो गई, माइनस थ्री एट इज x, इस x की जगह हमने ये रख दिया प्लस टू। अब सॉल्व करो बेटा इसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या होता है x की फोर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला भाई, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू इज सी ए। आपको ध्यान होगा बेटा, तो यहाँ पर बेटा a, a कितना है ये एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर कर दिया प्लस बी स्क्वेयर, बी कितना है हमारे पास माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, सी कितना है टू का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, टू इंटू में a, a कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, बी कितना है माइनस थ्री एक्स प्लस टू बी सी, बी कितना है यहाँ पर माइनस थ्री एक्स, सी कितना है टू प्लस टू सी ए, टू इंटू सी, सी कितना है टू, ए कितना है एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ पर आ गया बेटा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा एक्स की फोर, या मैं ये कर देता हूँ साफ, एक्स की फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस का सिक्स एक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स, सॉरी ट्वेल्व एक्स प्लस टू जा फोर एक्स स्क्वेयर। या क्या बेटा, अब ये एट इज, ये तो हमने इसका फॉर्मूला खोला है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको, माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस का थ्री नाइन नाइन एक्स माइनस का सिक्स प्लस टू। तो यहाँ पर भी लिखोगे आप क्या आएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स प्लस टू। क्या गया बेटा, अब आप देखो बच्चे, पहले हमने ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला खोला, ये सारा यहाँ तक आया फॉर्मूला, ये सारा यहाँ तक, फिर माइनस थ्री क्वेश्चन पे कर दिया, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस का नाइन एक्स माइनस का सिक्स, और ये प्लस टू एट इज, ये सिक्स है यहाँ पर। फिर बेटा अब इसको हमने क्या किया, इसको सोल्व सिंप्लीफाई कर लिया, ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स माइनस सिक्स प्लस टू। आप पूरा का सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा एक्स की फोर कोई है नहीं है भाई, एक्स क्यूब वाला माइनस सिक्स एक्स क्यूब कोई और है नहीं है, नाइन एक्स स्क्वेयर नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन माइनस थ्री टेन एक्स स्क्वेयर, फिर नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन माइनस थ्री टेन एक्स स्क्वेयर, फिर कितना आएगा माइनस ट्वेल्व माइनस कितना आएगा माइनस का थ्री एक्स, और फोर टू सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, अब इसको देखो ऐसे ही यहाँ पर, इफ दिस इज गिवन प्रूव दैट फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन x इक्वल टू x, यहाँ पर था टू टाइम फंक्शन ऑफ फंक्शन x, यहाँ पर थ्री टाइम, तो पहले आप फंक्शन को तो हम कुछ कर नहीं सकते, टू टाइम वाला करें फंक्शन ऑफ फंक्शन x, फंक्शन ऑफ फंक्शन x ये निकालते हैं बेटा, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है ये, तो फंक्शन ऑफ वन माइनस एक्स आ गया। अब बेटा इसको सॉल्व करें, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे, तो जहाँ पर भी x होगा देखो वन वन माइनस एक्स, एक्स के ये पुट करेंगे हम वन बाय वन माइनस एक्स, आ गया बच्चे। यदि ऐसे ना सुन आया हो तो और देख लो, थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, इसको मैं दोबारा अच्छे फिर सुनने की कोशिश करता हूँ, क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स निकालना है, तो जहाँ पर भी एक्स को वहाँ पर ही लिख दो, वन अपॉन में वन माइनस एक्स ये लिख देंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स, ये आ गया। अब फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई दिस, तो वन अपॉन में वन माइनस वन अपॉन में वन माइनस एक्स, इस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी हमने। अब बेटा इसको सॉल्व कीजिए,
एलसीएम लीजिए भाई, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, वन माइनस एक्स एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया वन माइनस एक्स, ये माइनस का वन हो गया अपॉन में वन माइनस एक्स, ये वन ये कैंसिल होगा बेटा, ये ऊपर चल जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास वन माइनस एक्स अपॉन में माइनस एक्स, ये छोड़ दिया हमने, दैट इज द इक्वेशन। ये हम फर्स्ट सपोज को लेते हैं, ये इक्वेशन टू। ओके, अब हमें निकालना क्या, थीटा में फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स ये निकालने। अब इसकी वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल चुके, तो देखो बेटा वन अपॉन में वन माइनस एक्स क्या रखेंगे आप, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स ये रखेंगे आप अंदर वाला, जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर ये लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये तो वन अपॉन में वन माइनस ये लिखेंगे आप वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। अब बेटा ब्रैकेट इसलिए लगा दिया आप ताकि माइनस इस माइनस में कन्फ्यूज ना हो जाओ। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये प्लस हो गया बेटा, तो क्या आ गया हमारे पास वन अपॉन में वन प्लस वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अब एलसीएम लीजिए भाई, तो एलसीएम लोगे कितना आएगा, एक्स ये ऊपर चल जाएगा, एक्स एक्स प्लस वन माइनस एक्स कैंसिल, तो एक्स अपॉन में वन ये एक्स अंश, यही प्रूव करना था मुझे, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लीजिए बेटा, नाउ लेट मी स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ये बेटा देखो बच्चे फंक्शन ऑफ टू एक्स इक्वल टू दिस प्रूव करना है, तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए फंक्शन ऑफ टू एक्स, तो जहां पर भी एक्स होगा वहां पर टू एक्स लिखे हम, तो यहां पर जहां पर एक्स है वहां पर क्या लिखे, यहां पर टू एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स लिख दिया टू एक्स प्लस वन, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट साइड लीजिए, राइट साइड में क्या है, थ्री टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स के लिए कर दो भाई, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस वन एट इज अपॉन में फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस थ्री, ये आ गया। अब एलसीएम ले लीजिए, तो थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन, ऐसे एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स प्लस वन, ये कैंसिल, थ्री वन फोर एक्स माइनस टू अपॉन में थ्री और वन फोर एक्स प्लस टू। अब टू को मिल लो, तो क्या आएगा टू एक्स, टू को मिल लिया टू एक्स माइनस वन, और टू को मिल लिया तो टू एक्स प्लस वन, ये कैंसिल, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड, लिखते हो आप हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ओके, ये प्रूव हो गया बेटा। ऐसे यहाँ पर आप देखिए बेटा, क्या वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए दे रखा है, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, देखो फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स प्रूव करना है, यही आपको कैसे करोगे भाई, फंक्शन ऑफ वाई, एक तो एक्स वाई लिख दीजिए, ए वाई माइनस बी अपॉन में बी वाई माइनस ए आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई एक्स वाई लिखेंगे आप, ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। अब इसको हमने x के इक्वल प्रूव करना है, अब देखो कैसे करें भाई, देखो कैसे लाएंगे आप, इसी लीजिए आप y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए है, हमने देखो बेटा इसको y में कन्वर्ट करना है और x के इक्वल लाना है, तो x वाली वैल्यू निकालनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं इसको, बी वाई एक्स माइनस का ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। अब इसको तो ले आइए, बी वाई एक्स माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का ले आए तो प्लस का ए वाई माइनस का बी, एक्स को हम ले लीजिए, तो बी वाई माइनस ए इक्वल टू
ए वाई माइनस बी बेटा, अब ये इनटू में है तो आप क्या देगा, डिवाइड में एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए, और ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया ना ये, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, तो हैंस प्रूव एक्स इक्वल टू वाई, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो इसको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या ये किसके इक्वल हो गया वाई के, हैंस प्रूव तो एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। तो इसी के साथ अपना टॉपिक खत्म होता है फंक्शन का, कल हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो शुरू करेंगे, ओके। पहले इससे पहले हम टेस्ट लेंगे बेटा इनका, तो इतना ही करेंगे, पहले राइट डाउन कर लीजिए, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।